क्या वाकई पाकिस्तानी नौजवान मायूस होकर पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं? लेकिन कासिम अली शाह इस बारे में एक और ही नुक्ता नजर रखते हैं। ये वो बच्चे हैं, बाहर जाके पढ़ेंगे और कमाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ही बेहतर होगी और वहाँ रह के भी अपने मुल्क को सर्व करना। तो जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो जरूर जाए, उसका मुस्तकबिल अपना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर क्या समझते हैं, अभी बताया जा रहा है कि 5-6 लाख जो है ना स्टूडेंट्स और पाकिस्तान की जो करीम है टैलेंट सारा छोड़ के जा रहा है, तो छोड़ के जाने वाले ज्यादा समझदार हैं और जो नहीं जा रहे क्या वो ना समझ रहे हैं, क्या वजह सब चल कह रहा है? अच्छा देखिए, व्हाट्सएप गुजारिश ये है कि जिस तरह की अनसर्टेनिटी और एक पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, मैं बल्कि कहूँगा सोशल क्राइसिस बन गया पाकिस्तान में, तो ऐसा ही होना था कि जब अनसर्टेनिटी है और लोगों की जो मुआशी हालत है वो बेहतर नहीं है, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नहीं है, तो बड़ी दुनिया ऐसी है जो यहाँ से बाहर जा रही है। इसमें देखें दो पहलू हैं, एक तो कोई शक नहीं कि इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है और ब्रेन ड्रेन को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इसका मुस्बत पहलू ये है कि ये वो बच्चे हैं जो बाहर जाके पढ़ेंगे और कमाएंगे, अल्टीमेट पाकिस्तान की इकॉनमी ही बेहतर होगी। पहले भी देखें ओवरसीज से इतना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है और हमारी जो इकॉनमी की एक रीढ़ की हड्डी है वो ओवरसीज का वो पैसा है जो पाकिस्तान में आता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया में कहीं ना कहीं सर्व कर रहा है और इस मुल्क का भी साथ ही साथ में फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, इन बच्चों का भी एक्सपोजर बढ़ेगा, ये ग्लोबलाइजेशन जो हो चुकी है, पूरा दुनिया जो है वो गाँव बन चुकी है, विलेज बन चुकी है, इस सारे के सारे अमल में अब कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में कहीं जाना, कहीं पढ़ना और वहाँ रह के भी अपने मुल्क को सर्व करना, किसी का भी राबता वास्ता इस मुल्क से ख़त्म नहीं होता। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी फैमिलीज बाहर सेटल हो चुकी हैं, वो भी आखिरकार वापस यहाँ पर आ जाते हैं, किसी वक्त का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें पे बैक करने का सोचते हैं। ऐसी बड़ी दुनिया को जानता हूँ, बड़े बड़े डोनर्स हैं जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो अमेरिका जाके सेटल हुए, कैनेडा जाके सेटल हुए, यूके जाके, यूरोप जाके, आस्ट्रेलिया जाके सेटल हुए, लेकिन वो आज भी जो मदद है, हेल्प है, वो इसी मुल्क की कर रहे हैं डोनेशन की शक्ल में। तो ये इसका मुस्बत जो रुख है वो ये है। सर आप बड़े पॉजिटिव अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्टर लगा रहे हैं कि 1947 में नारा लगा था पाकिस्तान जिंदाबाद और 2023 में पाकिस्तान से जिंदा भाग। अच्छा देखें, ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने वाले तो बड़े होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जेर तामीर मुल्क है और इसमें अभी भी बड़े मौके हैं। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, किसी शोबे का काबिल बंदा आप ढूंढें आपको नहीं मिलेगा, तो काबिल लोगों के लिए तो यहाँ बड़ी गुंजाइश है। आप अपना अगर रास्ता बना सकें खुद से, आप अपना मकाम बना सकें, बड़े ऐसे काबिल लोग हैं जिनको अपना मार्केट करना नहीं आता, अपना ब्रांड करना नहीं आता, तो ये भी सीखना चाहिए। जहां आपने इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं वहां पर अपने आप को मार्केट करना, ब्रांड करना और अपने आप को कहीं प्रोजेक्ट करना, प्लेस्ड करना, ये भी आना चाहिए। हमारे बच्चों को ये नहीं आता और ना उम्मीदी की बात करने वाले बेशुमार हैं। तो आप छोटा काम करने को कभी उजर ना समझें, छोटा कदम उठाएं, छोटा काम करें, लेकिन ख्वाब बड़ा देखें, बड़ा सोचें, और ना मुमकिन नहीं है कुछ भी। जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं फेलियर कहाँ पे, गवर्नमेंट लेवल पे आ रहा है, पेरेंट्स जो है उनकी सही ग्रूमिंग नहीं कर रहे, स्कूलिंग लेवल पे कहाँ पे आ रहा है, जो लोग यहाँ से डर के भाग रहे हैं? देखें डर के तो नहीं भाग रहे, दो बड़े मसले हैं पाकिस्तान में। एक तो मैंने बताया कि ओवरऑल सोसाइटी में क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, सोशल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, अनसर्टेनिटी इंतहा की है, इनसिक्योरिटी इंतहा की है। जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो ब्रेन ड्रेन होता है। अब मसले कहाँ पर हैं, कोई शक नहीं स्टेट के साथ मसाइल हैं, आज मसले हैं कल को बेहतर हो जाएंगे। जब भी इस तरह का क्राइसिस आता है, क्या कोई पहली कौम नहीं है हम जिसपे एक क्राइसिस आया, इस तरह के क्राइसिस दुनिया की कई कौमों पे आ चुके हैं और इस तरह के क्राइसिस से निकल के कौमें बेहतर हालत में ही गई हैं। आखिरकार एंड वैल्यू होता है, इफ एंड इज वेल ऑल इज वेल। दूसरी बात जो ये है, प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जो स्किल्स नहीं देता, जो हुनर नहीं देता। आज भी आईटी की इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, फ्रीलांसर्स की इतनी बड़ी वर्कफोर्स है जो पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में कमा रही है, जो यहाँ काम कर रही है और बाहर से काम लेकर आती है और डॉलर्स में कमाती है, उससे भी मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है। तो ये हमारे तालीमी इदारों को ये सोचना चाहिए कि हम तालीमी मेयार को बेहतर करें। इस पर मैं कर्से से बात भी कर रहा हूँ, इंडस्ट्री अकेडमियाँ लिंकेजेस की शक्ल में ग्रूमिंग के भी हम सेशन देते रहते हैं, बेशुमार हमने प्लान प्रपोजल्स भी दिए हैं तालीम मुमकिन की शक्ल में कि बच्चों की साथ साथ ग्रूमिंग होनी चाहिए। आप जिस तरह कह रहे हैं तालीमी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, तो तालीमी निज़ाम ये कि बड़े बड़े बैग पहन के बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूलों में टीचर नहीं होते। मोहसिन नकवी साहब कल भी एक स्कूल गए थे, टीचर नहीं थे और बच्चे कह रहे हैं कल पेपर है तो हमारी तैयारी नहीं, टीचर भी नहीं आता। तो फिर क्या डिजिटल होना चाहिए तालीमी निज़ाम, बच्चे घर से पढ़ें? और जो अक्सर लोग आज बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं काफ़ी, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, खुद घर में पढ़ाते हैं और एग्जाम करवाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा? देखिए गुजारिश ये है कि एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी है, बदकिस्मती ये है कि पिछले 30 सालों में प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत ऊपर आ गया और वो महंगी तालीम दे रहा है।
गवर्नमेंट के इदारे, दुख के साथ ये कहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर अपना बच्चा पहले प्राइवेट स्कूल छोड़ता है और फिर जाके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, तो वो मेयार जो गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए था, गवर्नमेंट कॉलेज का होना चाहिए था या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, वो नहीं रहा, वक्त के साथ साथ नीचे चला गया। स्टेट अगर इसे ओन करे, स्टेट समझे कि हमें तालीम को बेहतर करना है, तालीम को आगे लेके जाना है और तालीम में हमने डिलीवर करना है, हमने स्किल्ड लोग पैदा करने हैं, हमने वो ट्रेंड्स जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं उनको फॉलो करते उस तरह की स्किल्स देनी है, तो ये मसला हल हो सकता है। सर, आप रेमिटेंस के वे में देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा ये छोड़ के जा रहे हैं, बाहर जॉब करेंगे रेमिटेंस आएगा, लेकिन सर लाखों की तादाद में जा रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस के पास लंबी लाइनें लगी होती है, फिर ये कि उन्होंने पासपोर्ट का इजरा भी स्लो कर दिया, जल्दी जारी नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान है इसमें कि पाकिस्तान की सारी यूथ बैठ चली जाएगी तो क्या बूढ़े बाबे यहाँ पे चलाएंगे मुल्क? देखिए, गुजारिश है कि पहले भी कौन चला रहा है मुल्क, पहले भी कोई जो है वही अवेलेबल चला रहे हैं, तो जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो जरूर जाए, उसका मुस्तकबिल अपना है, उसके पास ये कोई गैर शरई हरकत नहीं है, गैर कानूनी हरकत नहीं है, स्टेट इसको ऑन करती है, इसको फैसिलिटेट करती है, दुनिया के बेहतरीन ममालिक में बेहतरीन तालीम अवेलेबल है, जो चीज़ जहाँ अवेलेबल है वहाँ जाना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं।